छह सैन्य अधिकारी सवार थे। उड़ान के बीच जहाज के एक इंजन में आग लग गई, फिर दूसरा भी। आइए अब इस पूरे पाठ का वाचन करें। आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? सफर के दौरान हम बादलों से भी बहुत ऊंचा उड़ते हैं। नीचे देखने पर धरती चलचित्र की भांति दौड़ती लगती है। मोटरें माचिस की डिब्बी जितनी छोटी लगती हैं और आदमी चींटी जैसा। बादलों से भी ऊपर जा उड़ने पर नजारा कुछ बदल जाता है। शुरू में हवा में सफर करने का नयापन मोह लेता है, पर वापस धरती पर उतरने का दिल बना ही रहता है। वापस सकुशल उतरकर अपने पांव पर चलने का सुख। कभी आपने ऐसे हवाई जहाज में सफर किया है जिसके किसी भाग से धुआं निकलना शुरू हो गया हो? तब मन में कैसे कैसे सवाल उठते हैं। पता करो धुआं कहां से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं, कहीं आग तो नहीं लग जाएगी। कुल मिलाकर चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ता है। धुआं है तो आग भी हो सकती है। हवाई जहाज के दोनों तरफ दैने की तरह फैले पंखों में ईंधन भरा रहता है। आग लगने से चिंगारी यदि ईंधन तक फैल गई तो क्या होगा? एक बड़ा धमाका और फिर जहाज में बैठे लोगों के बुरी तरह जले शव। यदि हवाई जहाज कहीं टकरा जाए तो भी ईंधन में आग लग सकती है। 1992 में फरवरी की 3 तारीख को कुछ ऐसा ही हुआ। रविवार का दिन था। डेवन नस्ल का एक सैनिक हवाई जहाज लखनऊ से दिल्ली की ओर आ रहा था। जहाज में सेना के 6 वरिष्ठ अधिकारी सवार थे। पश्चिमी कमान के 2 लेफ्टिनेंट जनरल, सेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल तथा मिलिट्री सेक्रेटरी, एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर। विमान के पायलट थे वायुसेना के युवा अफसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास। विमान के लखनऊ से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसके 2 इंजनों में से एक से गड़बड़ की भारी आवाजें आने लगी। तब शाम के 6 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में उस इंजन में आग लग गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिस्वास ने निश्चय किया कि अब विमान को नीचे उतारने के अलावा कोई चारा नहीं, उसे किसी न किसी तरह जमीन पर पहुंचाना होगा। तब तक अंधेरा शुरू हो गया था, इसलिए कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा था। लेफ्टिनेंट बिस्वास ने विमान को नीचे लाने की कोशिश की जिससे जमीन कुछ अच्छी तरह से देखी जा सके। हजारों फीट ऊंचाई से विमान को नीचे उतारते समय आग लगा इंजन विमान से टूटकर नीचे गिर गया। इससे विमान का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया। लेफ्टिनेंट बिस्वास ने बड़ी कठिनाई से उसे पलटा खाने से बचाया। हर तरकीब के साथ उसकी सिधाई बनाए रखने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उन्हें विमान के दूसरे चलायमान इंजन को भी बंद कर देना पड़ा। अब विमान दोनों इंजनों के बिना था। धरती से 1000 फीट से अधिक ऊंचाई पर वरिष्ठ सेना अधिकारियों से भरा। घिरते अंधकार में पर धैर्य तथा सूझ ने लेफ्टिनेंट बिस्वास का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने धरती पर बड़े से खाली टुकड़े पर अपनी नजर गड़ाई और वहीं विमान उतारने का मन बनाया। हालांकि धरती के करीब आने पर उन्होंने पाया कि जहां जहाज उतारने जा रहे हैं जमीन का वह टुकड़ा समतल नहीं है, कुछ खुरदरा उबड़ खाबड़ है। मगर उनके पास न तो अब इतना समय था कि दूसरा टुकड़ा तलाश कर सकें और न इतना अवकाश ही कि जहाज को आकाश में ही उड़ाते रह सकें। अंततः उन्होंने विलक्षण कुशलता के साथ विमान को धरती के उसी टुकड़े पर उतारने का दुस्साहस कर ही दिया। नियति ने भी उनका भरपूर साथ दिया। दोनों इंजनों के बिना और हवाई पट्टी के अभाव में इस प्रकार सही सलामत विमान का उतर आना एक तरह का करिश्मा ही था।
इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले गवाह उनकी वरिष्ठ सवारियां ही थी। हवाई जहाज बिना टूटे, बिना आग में जले और बिना किसी की हड्डी पसली तोड़े मां वसुंधरा की गोद में सकुशल उतर आया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सबकी सांस में सांस आई। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई की भावना से सबने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सबने मन ही मन यह भी माना कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बलवान होता है। तभी तो इंजनहीन जहाज और भयंकर आग से कहीं अधिक बलवान सिद्ध हुआ लेफ्टिनेंट बिस्वास का आत्मविश्वास। सब ने महसूस किया कि लेफ्टिनेंट बिस्वास उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाए हैं। अब सबको वे पल फिर से याद आ रहे थे जब विमान में आग लगी थी। तब लेफ्टिनेंट बिस्वास ने न तो अपना धैर्य छोड़ा न किसी प्रकार की हड़बड़ी प्रदर्शित की। एक इंजन अलग होकर गिर पड़ा, तब भी उन्होंने बड़ी निपुणता से विमान का संतुलन बनाए रखा। बिना एक भी इंजन के जहाज को खुरदरी धरती पर उतारने में उन्होंने अदम्य साहस तथा सिद्ध हस्तता का परिचय दिया। अंधेरे में भी उन्होंने नीचे उतरने लायक भूमिखंड ढूंढ ही निकाला। इस अनहोने तथा असाधारण साहसपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिस्वास को भारत सरकार की ओर से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।